नमस्कार। अपने आप में देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, 125 करोड़ लोगों का भारत जो लोकतंत्र है, वहाँ जितनी भी पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, कुछ को छोड़कर बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह हैं, किसी न किसी परिवार के हाथों में हैं। ये अपने आप में एक विरोधाभास है, विडंबना कह लीजिए इसे आप, आयरनी है ये। अब एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हंसने को दिल करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी चुनाव होने जा रहे हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो। सब जानते हैं पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, फिर भी चुनाव का ये एक मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। एक संपादक हुआ करते थे, बहुत बढ़िया एडिटर थे वो, आजकल राजनीति में हैं। उन्होंने एक दफ़े कहा था कि जब भी नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आता है तो वो रेल मंत्री बनने नहीं आता, प्रधानमंत्री बनने ही आता है। तो कांग्रेस में अंदरूनी चुनाव होने जा रहे हैं कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो। मैं आपको बता दूं, 16 दिसंबर को ये चुनाव होगा और 19 दिसंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। वैसे माना ये जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं, जो उपाध्यक्ष हैं इस वक्त, इकलौते कैंडिडेट वही होंगे। फिर भी ये चुनाव का सारा खेल चल रहा है। दिसंबर 5 को ही कांग्रेस अनाउंस कर देगी अगर कोई और कैंडिडेट ना हुआ तो, क्योंकि नॉमिनेशंस जो हैं वो 4 दिसंबर तक भरे जाएंगे। 1 दिसंबर से शुरू होंगे, 4 दिसंबर तक भरे जाएंगे। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो जो पूरी पूरी संभावना है कि बनेंगे, तो उनकी माँ जो हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो 19 साल तक पार्टी की अध्यक्ष रही हैं और 2 आम चुनावों में उन्होंने पार्टी को जीत हासिल दिलवाई है, 2004 और 2009 के आम चुनाव में, और उसके बाद 2014 के चुनाव में पार्टी की सबसे बुरी जो परफॉर्मेंस है वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई है। वैसे ये जो परिवारवाद की भगीरथी है ये कांग्रेस से ही शुरू होती है। पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के 2 बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी का बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ये परिवारवाद जो शुरू हुआ है ये कांग्रेस से हुआ है और देखते देखते तमाम पार्टियों में फैल गया है। सिर्फ लेफ्ट की कुछ पार्टी को छोड़कर और तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, एक आध कोई और पार्टी उसको छोड़कर, बाकी सब पार्टियों में परिवारवाद फैल चुका है। कांग्रेस का तो मैंने आपको बताया, और जो कांग्रेसी हैं जो परिवारवाद के हैं, मैं उनके कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, इनके पिता आनंदराव चव्हाण मिसेज इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, और पृथ्वीराज चव्हाण से पहले अशोक चव्हाण जो मुख्यमंत्री थे, उनके पिता एसपी चव्हाण गृहमंत्री थे, भारत के गृहमंत्री थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया, वो भी मंत्री थे, और उसके अलावा सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी मंत्री रहे हैं। अब एक निगाह डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद पर। राजस्थान में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है धौलपुर से, ठीक है, और उनकी जो मौसी हैं यशोधरा राजे, वो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। इन दोनों की माएँ स्वर्गीय श्रीमती विजय राजे सिंधिया, वो मध्य प्रदेश से एमपी थीं और भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेताओं में से एक थीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेटा अभिषेक, वो भी लोकसभा का मेंबर है। जो गृहमंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह, वो यूपी में एमएलए है और भारतीय जनता पार्टी का राज्य का जनरल सेक्रेटरी है। उसके अलावा जो जयंत सिन्हा हैं, जो इस वक्त यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार में हैं, इनके पिता यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, वो तो खैर इस वक्त चुनाव होने जा रहे हैं, देखा जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री वहाँ पर, लेकिन उनका बेटा अनुराग ठाकुर, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया, उसका भी अध्यक्ष रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इनके पिता गंगाधर पंत फडणवीस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे। गोपीनाथ मुंडे बहुत सीनियर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बड़ी बेटी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में मिनिस्टर हैं और जो उनकी छोटी बेटी प्रीतम, वो बीड नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनके पिता की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ से जीत चुकी हैं। बीजेपी के सांसद राजवीर सिंह राजस्थान गवर्नर कल्याण सिंह के बेटे हैं।
रामविलास पासवान जो इस वक्त सरकार में शामिल हैं, उनका बेटा चिराग पासवान, भाई रामचंद्र पासवान, ये चंद मुट्ठी भर MPs ऐसे हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी में हैं, जबकि एक और भाई पशुपति पासवान वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। अब आते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। कम से कम नहीं तो 2 दर्जन लोग मुलायम सिंह परिवार के राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई ओहदा उनके पास है। मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, 5 साल रहे, और भाई शिवपाल सिंह यादव वो भी एक वरिष्ठ मंत्री थे राज्य में, काफ़ी सालों तक रहे। 5 MP हैं समाजवादी पार्टी के, जिसमें से 4 मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। लालू प्रसाद यादव, उनके बहुत सारे मेंबरान जो हैं फैमिली के वो राजनीति में हैं। एक बेटा है तेजस्वी, वो बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है, और मीसा भारती बेटी वो राज्यसभा MP रही है। शिवसेना ठाकरे परिवार के कब्जे में रही है, वो करीब 50 साल पहले बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, अब उनके बेटे उद्धव उसको चला रहे हैं, और उद्धव के बेटे आदित्य जो उसका यूथ विंग है उसको देखते हैं, और बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, उन्होंने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई है। अब आते हैं NCP पर, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी है, और उनकी बेटी सुप्रिया सूले वो भी सांसद है, MP हैं, जबकि उनके भतीजे और उप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के अजीत पवार बारामती से MLA हैं। अब आप आइए दक्षिण भारत में DMK की तरफ। M करुणानिधि हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर, बहुत दफ़े वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे MK स्टालिन, एक और बेटे अयागिरी और बेटी कन्नी मोई, तीनों राजनीति में। AIADMK, MG रामचंद्रन की जो विरासत थी, पहले उनकी मौत के बाद उनकी वाइफ जानकी ने संभाली, लेकिन बाद में जयललिता ने उस विरासत को आगे बढ़ाया। तेलुगु देशम पार्टी, NT रामाराव ने पार्टी बनाई थी, और जो आजकल मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के N चंद्रबाबू नायडू, वो उनके दामाद हैं। उनके बेटे भी राजनीति में आए थे, उनकी एक दूसरी बीवी वो भी राजनीति में आई थी। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS, के चंद्रशेखर राव TRS के नेता हैं, उनका बेटा KT रामाराव इस वक्त उसको गद्दी के लिए तैयार किया जा रहा है। उड़ीसा दिखते हैं, जो भारतीय बीजू जनता दल के नेता और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, वो अपने पिता बीजू पटनायक की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब, प्रकाश सिंह बादल फैमिली। अब आप देखिए, प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर बादल, सुखबीर की बीवी हरसिमरत कौर, वो यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग की इस वक्त मौजूदा सरकार में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के रहे हैं, उनकी बीवी, उनकी प्रनीत कौर भी यूनियन मिनिस्टर थी पिछली सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, जिन्होंने PDP की स्थापना की थी और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। अब आप देखिए, शेख अब्दुल्ला परिवार, उसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला, एक ये भी अपने आप में पूरी डायनेस्टी रही है। HD देवेगौड़ा कर्नाटक में, उनके बेटे HD कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। HD देवेगौड़ा हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बेटे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में मायावती अब अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश को आगे बढ़ा रही हैं। हरियाणा में आएँ तो 3 लालों की राजनीति बड़ी ज़बरदस्त रही है वहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की बीवी किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, सब राजनीति में रहे हैं। उसके बाद आप देखिए चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला, फिर उनका एक पोता दुष्यंत चौटाला, सब राजनीति में रहे हैं। ये हरियाणा का वंशवाद है, परिवारवाद है। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन, ये भी एक अपने आप में पूरी डायनेस्टी बनती है। नलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चंद्रमोहन बिश्नोई ने चुनाव लड़ा था, जबकि कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर से। उसके अलावा रेणुका बिश्नोई, ये कुलदीप बिश्नोई की पत्नी हैं, इन्होंने हांसी से चुनाव लड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पिछले चीफ मिनिस्टर थे ये, इनके पिता का नाम है चौधरी रणबीर सिंह, ये पंजाब का विभाजन होने से पहले जो सरकार थी उसमें मंत्री थे,
और अब भूपेंद्र सिंह हुडा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुडा लोकसभा के एमपी हैं रोहतक से। ये हुडा परिवारवाद है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, हरियाणा का भी बता दिया, जम्मू कश्मीर का भी बता दिया, पूरे भारत के और हिस्सों का बता दिया। मध्य प्रदेश में भी ये परंपरा थी, वहाँ तो पंडित रविशंकर शुक्ला, उनके बेटे विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला, ये तमाम लोग हुआ करते थे। बहरहाल, परिवारवाद की भगीरथी कांग्रेस है। सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस ने की, और अब ये मजाक ही होगा कि जब कहा जाए कि कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं, ये तय है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। 9 नवंबर से 20 नवंबर तक, यानी 11 दिनों में, तीन ऐसे बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं दिल्ली में, जिसकी खबर आप तक नहीं पहुंची है। अब खबर क्यों नहीं पहुंची है, इसके कारण भी आप जानते हैं कि मीडिया आजकल पद्मावती में ज़्यादा बिजी है और गुजरात चुनाव में ज़्यादा बिजी है। जैसे देश में और कुछ हो भी नहीं रहा, और देश में सिर्फ गुजरात ही है जो देश है। केंद्र सरकार के बहुत सारे लोग गुजरात में हैं इस वक्त, लगभग भारत सरकार ही गुजरात में है चुनाव के प्रचार के लिए। और ये जो खबरें हुई हैं, तीन बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं 9 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक। पहला हुआ 9 से लेकर और 11 नवंबर को, महापड़ाव प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में। ये जो वामपंथी पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। और इसकी तारीख 9 इसलिए रखी गई कि नोटबंदी की पहली सालगिरह थी, इसलिए महापड़ाव की शुरुआत 9 तारीख से हुई। इनका ये कहना है कि इनकी वजह यह है प्रदर्शन करने की, विरोध प्रदर्शन करने की, कि जो इस वक्त रोज़गार की स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, नौकरियां नहीं हैं, उसके खिलाफ इन्होंने किया है। और ये स्थिति ये मानते हैं कि जो दो चोट पड़ी हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, एक नोटबंदी की वजह से और एक GST की वजह से, ये वजह मानते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। करीब 50 जाने माने लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने, कलाकारों ने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को, और ये कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार फौरन जो मौजूदा हालत है उसमें दखल दे और हालात को बेहतर करे। ये महापड़ाव के तीसरे दिन ये चिट्ठी इशू की गई, इसमें इनकी जो 12 मांगे थी उसका चार्टर भी था। इनकी मांगों में ये शामिल है कि मतलब बेहतर तनख्वाह हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको वापस लिया जाए, जैसे लेबर लॉ चेंजेस होते हैं जो मजदूरी के कानून में परिवर्तन किए जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और साथ में जॉबलेस ग्रोथ तो चल रही है, बेशक इकॉनमी रेंग रही है लेकिन बढ़ रही है, लेकिन नौकरियाँ नहीं बढ़ रही हैं, तो इस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। उसके बाद मैं आपको बताऊं, RSS का जो मजदूर संगठन है उसका नाम है भारतीय मजदूर संघ। 9 से 11 तारीख को महापड़ाव हुआ, 17 तारीख को भारतीय मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों की तादाद में कामगार लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए और बेहतर तनख्वाह की मांग की उन्होंने। ये RSS का है, ये किसी विपक्षी पार्टी का नहीं है, RSS का संगठन है भारतीय मजदूर संघ। उनका ये कहना था कि एक तो बेहतर तनख्वाह हो, दूसरे जो जिसको सुधार या रिफॉर्म्स कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया, और 3 दिन का उन्होंने धरना किया, और साथ में ज़्यादा नौकरियों की मांग की और जो मजदूरों के हक हैं उनकी हिफाजत की मांग की। साथ में ये गौर करने वाली बात है कि भारतीय मजदूर संघ पिछले 2 साल में जितने भी प्रदर्शन हुए मजदूरों की तरफ से, कामगारों की तरफ से, भारतीय मजदूर संघ उसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इस दफ़े उसे भी शामिल होना पड़ा क्योंकि उसे भी लगा कि हालात ठीक नहीं हैं। 27 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ ने सरेआम, खुलेआम जो तथाकथित सुधार है, मिसगाइडेड रिफॉर्म्स, उनके खिलाफ आलोचना की थी सरेआम। तब उन्होंने कहा था कि जो इस वक्त अर्थव्यवस्था की धीमी गति है, रेंग रही है अर्थव्यवस्था, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसने गलत दिशा ले ली है, और जो सो कॉल्ड तथाकथित रिफॉर्म भी किए गए हैं उनसे नौकरियां कम हो रही हैं। उसके ये तो हुआ 17 तारीख को। उसके बाद 20 तारीख को तीसरा बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, किसान मुक्ति संसद। 124 किसान संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया दिल्ली में ही, और खबर आप तक नहीं पहुँची है। 184 संगठन है किसानों के, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया,
और इसका नेतृत्व किया ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। ऐसे परिवारों के सैकड़ों सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल हुए जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य ने, किसान ने आत्महत्या कर ली थी। एक तो इनकी शिकायत ये थी कि मोदी सरकार ने एक यू टर्न लिया है, पहले ये फैसला किया था, वादा किया था कि लागत जो है फसल की उसका 50% मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ऐड किया जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन वो किया नहीं है। इस वक्त खरीफ की ही जो 14 फसलें होती हैं, 7 फसलों में कम से कम नहीं तो सिर्फ 2% से 19% तक MSP दिया जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा वादा किया था, कर्जा माफ़ी का वादा, तो किसानों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं कर्जा माफ़ी के, लेकिन ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट भी हैं जिसमें 1 पैसे का कर्जा माफ़ किया गया है, या 19 पैसे का कर्जा माफ़ किया है, या 1 रुपये का या 2 रुपये का कर्जा माफ़ किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रदर्शन धरना चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन आप तक खबरें नहीं पहुंच रही हैं। कारण आप भी जानते हैं, मीडिया ज़्यादातर सरकार की गोदी में जाके बैठा हुआ है, सरकारी हो गया है, दरबारी हो गया है, इसलिए उसे पद्मावती गुजरात चुनाव के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। नमस्कार, आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।